कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर, जहां पर हाथरस के लिए राहुल गांधी रवाना हुए हैं। सड़क मार्ग से हाथरस पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। मृतकों के परिवार वालों से इस दौरान मुलाकात करेंगे। हाथरस में पीड़ितों से मिलने वाले हैं कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी। बड़ी खबर, हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। हाथरस के लिए रवाना, जहां पर बाबा के प्रवचन में 121 लोगों की मौत हुई थी। ये राहुल गांधी का काफिला आप देख रहे हैं। यहां पर वो मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात के अलावा वो इस बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालात का जायजा भी लेंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और कांग्रेस के रायबरेली से सांसद हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी की काफिले की हैं, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रहा है ये काफिला। अब से डेढ़ घंटे के अंदर हाथरस पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। वहां पर पार्टी के लोगों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो हाथरस के लिए रवाना राहुल गांधी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी के काफिले को, कांग्रेस के काफिले को। एक बड़ा और लंबा काफिला राहुल गांधी के साथ इस वक्त हाथरस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रहा है ये काफिला इस वक्त। अगले डेढ़ घंटे के अंदर ये काफिला हाथरस पहुँचने की उम्मीद है, जहाँ पर मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना, और इस बीच हाथरस नरसंहार का जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार है। इसके सत्संग में भगदड़ मची, 121 लोगों की जाने गईं। मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, अब 121 से 123 हो गया है। इतनी मौतों का जिम्मेदार पाखंडी बाबा भागा भागा फिर रहा है। बचने के लिए किसी तरह से गिरफ्तारी ना हो पूरी कोशिश में लगा हुआ है। पुलिस कह रही है कि हम तलाश रहे हैं, अब पुलिस उसे ढूंढ रही है या ढूंढने की का नाटक कर रही है ये हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि चमत्कार के चक्कर में इस ढोंगी साकार हरि ने 123 भोले भाले लोगों को बेमौत मार डाला। 113 महिलाएँ, 7 बच्चे और 3 पुरुष इसमें हैं। सबसे पहले हाथरस भगदड़ पर अपडेट भी आपको दिखा देते हैं। सत्संग के 6 सेवादार अरेस्ट हो चुके हैं, इनमें 2 महिलाएं, 6 सेवादार आयोजन समिति के सदस्य हैं। आईजी का बयान, एफआईआर में नारायण साकार का नाम नहीं है अब तक, अगर जरूरत पड़ी तो बाबा से पूछताछ होगी। मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर फरार है, जिस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है। नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल अभी फरार है। बाबा यूपी को छोड़कर भागा नहीं, ऐसा वकील एपी सिंह का कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा है कहाँ, इतने भक्त मर गए लेकिन वो बाबा अपने आलीशान ऐश गाह में छुपा बैठा है, बाहर नहीं आ रहा। ये समझ नहीं रहा कि उसके पीछे लोग मर रहे थे लेकिन वो अपनी प्राइवेट वैगनर आर्मी के जरिए वो भागता चला गया। जांच के लिए बुलाने पर ये बाबा सामने आएगा, यानी सूरजपाल सामने आएगा, एपी सिंह उनके वकील का कहना है। हाथरस कांड के लिए अराजक तत्व जिम्मेदार हैं, एपी सिंह ने कहा। मरने वालों की पसलियां टूटकर फेफड़े कलेजे में घुसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा कह रही है। सिर गले की हड्डी टूटने से 15 की जान गई, 74 लोग दम घुटने से मरे। 100 करोड़ से ज़्यादा का बाबा का आश्रम और ज़मीन है। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम है। लग्जरी कारों का काफिला उस बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल की तरफ से बयान आया कि मैं तो निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ करा दी।
दो तस्वीरें आप देखते रहिए, एक तरफ राहुल गांधी का काफिला जा रहा है, दूसरी तरफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस ने किस किस को पकड़ा है वो आप देख पा रहे हैं। हाथरस नरसंहार का जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल फरार है। इसके सत्संग में भगदड़ मची, 123 निर्दोष लोगों की जाने गई। आंकड़ा 121 से 123 हो चुका है। हम बार बार आपको ये पूरी जानकारी बता रहे हैं। इतनी मौतों का जिम्मेदार ये पाखंडी बाबा भागा भागा फिर रहा है, बचने के लिए किसी तरह से गिरफ्तारी ना हो इस पूरी कोशिश में लगा है। हम तलाश कर रहे हैं उसे, पुलिस उसे ढूंढ रही है या फिर नाटक कर रही है, हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि चमत्कार के चक्कर में इस ढोंगी साकार हरि ने 123 भोले भाले लोगों को बेमौत मार डाला।